और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2020 में 125 सीसी की स्पोर्ट्स बाइक आएगी कि नहीं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सभी ऑटोमोबाइल कंपनीज धीरे धीरे 125 सीसी की बाइक्स इंडियन मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि आरसी 125 आ चुकी है, ड्यूक 125 आ चुकी है और बजाज ने पल्सर 125 को भी इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। अब काफ़ी सारे भाई लोग सोच रहे होंगे कि क्या अपाचे 125 भी आने वाली है क्या। तो दोस्तों, अपाचे 125 नहीं आएगी, क्योंकि इस बाइक की कोई भी इमेज TVS ने रिवील नहीं की है और ना ही TVS कंपनी ने इस बाइक के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया में अपलोड की है। इसलिए ये एक अफवाह है, इसके बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए। लेकिन इन बाइक्स के अलावा और भी 125 सीसी की बाइक है जो फॉरेन कंट्रीज में तो लॉन्च हो चुकी है, लेकिन इंडियन मार्केट में अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। तो उन्हीं बाइक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसी ही वीडियोज लाता रहता हूँ। तो पहली बाइक है यामाहा MT-125। दोस्तों, MT-125 यूरोपियन मार्केट में लॉन्च हो चुकी है, लेकिन इंडिया में अभी तक इसकी कोई लॉन्च डेट नहीं आई है और इसका डिज़ाइन भी इंडियन यामाहा MT-15 से काफ़ी अलग है। फ्रंट में आपको हेलोजन बल्ब मिलता है और कॉर्नर्स पर LED DRLs मिलते हैं। एग्रेसिव टैंक पोर्शन है और काफ़ी मस्कुलर और स्पोर्टी इसका डिज़ाइन है। और 125 सीसी का इंजन होने के बाद भी इसमें आपको RC 125 से ज़्यादा पावर मिलती है, अराउंड 15 BHP एट 9000 RPM। और इस बाइक से आप अराउंड 60-65 तक का माइलेज गेन कर सकते हो और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 80,000 एक्स शोरूम। इस बाइक के प्रोज हैं ऑसम लुक्स, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, बेस्ट परफॉर्मेंस और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी। लेकिन इसके कॉन्स सिर्फ एक ही है, वो ये है कि इंडिया में इस बाइक को लॉन्च करने के लिए कोई भी प्लान्स नहीं किए गए। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि आपको MT-125 कैसी लगी। दूसरी बाइक के बारे में बात करते हैं तो वो है होंडा CBR 125R। लेकिन दोस्तों, ये बाइक फॉरेन कंट्री में 7 से 8 साल पहले ही लॉन्च हो चुकी है और इसका लुक्स और डिज़ाइन भी सेम CBR 150R की तरह है, जो कि इंडियन मार्केट से डिसकंटिन्यूड हो चुकी है। और मुझे लगता है कि CBR 125R इंडियन मार्केट में नहीं आएगी, क्योंकि इसका डिज़ाइन काफ़ी पुराना हो चुका है। लेकिन अगर होंडा कंपनी इसके डिज़ाइन में चेंजेस करेगी, स्पोर्टी और मस्कुलर लुक देगी, तो फिर शायद ये इंडियन मार्केट में आ सकती है। लेकिन अभी तो इसके कोई भी चांसेस नहीं है इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के। तीसरी बाइक है कावासाकी निंजा Z125। दोस्तों, ये एक नेकेड बाइक है और इसका लुक्स 125 सीसी के हिसाब से काफ़ी स्पोर्टी है और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 1,25,000 एक्स शोरूम, जो कि एक सही प्राइस है, क्योंकि दोस्तों कावासाकी निंजा एक ऐसा ब्रांड है जिसको सभी लोग लेना चाहेंगे। वैसे तो कावासाकी इंडिया में 300 सीसी के ऊपर की बाइक्स लॉन्च करता है जिसका प्राइस 3 लाख प्लस तक होता है और ये बाइक्स एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बजटेबल नहीं रहती है। लेकिन अगर कावासाकी 125 सीसी की बाइक लॉन्च कर देगी तो उनको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा और उनकी सेलिंग्स भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इस बाइक से आप अराउंड 50-55 तक का माइलेज गेन कर सकते हो और इसकी टॉप स्पीड भी अराउंड 121+ KMPH तक जाती है। बस सबसे बड़ी एक ही प्रॉब्लम है कि इंडिया में इसके लॉन्च के बारे में कोई भी प्लानिंग नहीं की गई है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि आपको कावासाकी निंजा Z125 कैसी लगी। दोस्तों, चौथी बाइक है यूसंग GT-125R। ये एक फुली फेड 125 सीसी की बाइक है जो सीधे सीधे RC 125 को टक्कर देती है और मुझे ऐसा लगता है कि इस बाइक का लुक्स सबसे ज़्यादा स्पोर्टी है और दूसरी 125 सीसी और 200 सीसी की बाइक्स के मुकाबले। एरोडायनामिक इसका बॉडी डिज़ाइन है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। हालांकि इंडिया में इसका 250 सीसी का वेरिएंट पहले ही लॉन्च हो चुका है, लेकिन उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत कम लोग ही इसको बाय करते हैं। लेकिन अगर यूसंग GT-125R इंडिया में लॉन्च हो गई तो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस होगा 1,25,000 एक्स शोरूम, जो कि मेरे हिसाब से एक फुली फेड बाइक के लिए बेस्ट प्राइस है। लेकिन इस बाइक को इंडिया में लॉन्च करने के लिए कंपनी ने अभी तक कोई भी प्लान्स नहीं बनाए हैं, इसलिए ये बाइक अभी तो इंडिया में नहीं आएगी। पांचवी बाइक है कावासाकी निंजा 125। दोस्तों, ये भी एक फुली फेड स्पोर्ट्स बाइक है जिसका लुक्स और डिज़ाइन सबसे ज़्यादा स्पोर्टी और मस्कुलर है और इसके बॉडी कलर्स मुझे सबसे ज़्यादा
पसंद है, स्पेशली ग्रीन, और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस होगा 1,50,000 एक्स शोरूम, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी सी कॉस्टली है। लेकिन ये बात तो पक्की है कि अगर कावासाकी निंजा 125 इंडिया में आएगी तो फिर RC 125 की सेलिंग्स में डिक्रीजमेंट आएगा, क्योंकि KTM लवर्स से ज़्यादा निंजा लवर्स इंडिया में ज़्यादा है। इस बाइक की मैक्सिमम पावर है 15 BHP एट 10,000 RPM और इससे आप अराउंड 50-55 तक का माइलेज भी गेन कर सकते हो। निंजा 125 के प्रोज हैं स्पोर्टी लुक्स, बेस्ट परफॉर्मेंस, फुली फेड रेस ट्रैक डिज़ाइन और इंजन पावर। और कौन से 1.5 लाख एक्स शोरूम, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राइस है, और दूसरा इंडिया में लॉन्च करने के लिए इसकी डेट कन्फर्म नहीं हुई है। और दोस्तों, यूरोप में ऑफिशियली 16 अक्टूबर 2019 को यामाहा ने MT-125 को लॉन्च कर दिया है और इसका डिज़ाइन सेम इंडियन MT-15 की तरह है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब यामाहा MT-125 को भी इंडिया में लॉन्च कर देगी। अब बस देखना ये है कि कौन से लुक्स में ये MT-15 को इंडिया में लॉन्च करेंगे। फॉरेन डिज़ाइन में भी आ सकती है या फिर सेम MT-15 की डिज़ाइन में आएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि किन कारणों की वजह से ये सभी 125 सीसी की बाइक इंडिया में आ सकती है। तो इसका मेन रीज़न मुझे लगता है पेट्रोल। दोस्तों, जैसा कि आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि दिन ब दिन पेट्रोल का प्राइस बढ़ता जा रहा है और एक दिन ऐसा आएगा कि पेट्रोल का प्राइस 100 के ऊपर चला जाएगा, मतलब 100 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा। फिर आप सब लोग सोचोगे कि 200 सीसी की बाइक लेने से अच्छा 125 सीसी की बाइक ले ली जाए, जिसमें लुक्स तो मिलेगा ही मिलेगा और माइलेज भी अच्छा मिल जाएगा। तब उस सिचुएशन में सभी कंपनीज अपनी 125 सीसी की बाइक्स इंडिया में लॉन्च कर सकती है, क्योंकि उस समय 125 सीसी की बाइक्स की डिमांड ज़्यादा रहेगी और ऑटोमोबाइल कंपनीज को अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल जाएगा। लेकिन ये तो था मेरा ओपिनियन। बाकी ऐसा हो सकता है कि कंपनी और कोई वजह से 125 सीसी की बाइक्स इंडिया में लॉन्च नहीं कर रही है। बाकी आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि कौन सी 125 सीसी की बाइक इंडिया में आनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। अभी के लिए थैंक्स।